प्राकृतिक रूप से माता पिता न बन पाने वाले वैवाहिक जोड़े IVF का सहारा लेते हैं। IVF यानी इन्वर्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कृत्रिम रूप से एक आर्टिफिशियल तरीके से स्पर्म और ओवम को एक साथ लाया जाता है जिससे एम्ब्रियो बन सके और एक नया शिशु इस दुनिया में आ सके। लेकिन इससे जुड़े कई सवाल भी होते हैं लोगों के मन में, जो अक्सर लोग पूछते रहते हैं। ऐसा एक सवाल है कि क्या हर बार IVF से होने वाले बच्चे जुड़वा ही पैदा होते हैं? इसके पीछे हकीकत क्या है? क्यों ऐसा होता है कि अधिकतर समय बच्चे जुड़वा ही होते हैं? ये जानने के लिए हमने बात की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट और IVF एक्सपर्ट डॉक्टर प्रमोदिता अग्रवाल से, और उनसे जाना कि क्या हर बार जुड़वा बच्चे ही होते हैं IVF की प्रक्रिया के बाद, इसमें कितनी सच्चाई है, उन्होंने क्या बताया, सुनिए। होता क्या कि जैसे कई बार होते हैं जो एग्स लिए और जो स्पर्म्स लिए, तो सपोज अगर 10 एग लिए और 10 स्पर्म लिए और उनसे हमने एम्ब्रियो बनाया, तो जब वो डे 0 से डे 5 तक आते हैं ब्लास्टोसिस्ट तैयार होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो 10 जो अपने लिए थे वो सारे एम्ब्रियो ग्रो कर जाएं। अब हम सपोज उसमें से 5 या 6 एम्ब्रियोज ग्रो किए, अब हमने जब उसको यूट्रस के अंदर डाला, तो वो भी ज़रूरी नहीं कि सारे ही इम्प्लांटेशन हो जाएगा। तो कोशिश ये करते हैं, पेशेंट को ऑप्शन दिया जाता है कि आपको सिंगल ट्विन चाहिए, या पेशेंट जैसे अपने को बोलेगा कि नहीं डॉक्टर आपकी क्या राय है उसके अकॉर्डिंग आप करिए। तो यूजली ये किया जाता है जैसे 2 एम्ब्रियो डाले, तो उसमें जितने एम्ब्रियोस हो सकता है हमने 4 डाले, तो ग्रो 2 करें या 3 करें, उससे सक्सेस रेट बढ़ जाता है। पेशेंट को ये चीज़ बता के रखी जाती है। यूजली इसमें ट्विन्स अपन को ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो डॉक्टर के अनुसार भी अक्सर बच्चे ट्विन्स ही पैदा होते हैं और इसके बारे में पहले ही माता पिता को बता दिया जाता है। लोकेटिंग के लिए झांसी से शाश्वत चुनकी रिपोर्ट।